बिहार के जिले मुजफ्फरपुर में सामने आए शेल्टर मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। इस मामले पर विरोधी केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं इस मामले पर समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने अपने पति का नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वहीं इसी बीच आरोपी ब्रजेश ठाकुर को लेकर भी कई खुलासे हो रहे हैं। खैर, इस मामले पर सियासी गर्माहट के साथ साथ अब बॉलीवुड जगत के लोगों की राय भी सामने आ रही है। इन्हीं में से एक है जाने माने गायक सोनू निगम, जिन्होंने इस मामले पर पीएम मोदी को सलाह देते हुए कहा है कि अब देश में धंधे को लीगल कर देना चाहिए। सोनू निगम का कहना है कि देश में इस तरह की घटनाओं के लिए हमारा तंत्र ही कसूरवार है। स्कूलों में बच्चों को संबंधों के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है और इस वजह से ही इस तरह के कांड सामने आते हैं। सिंगर सोनू ने कहा कि मुजफ्फरपुर में जो हुआ वो इसका छोटा भाग है। देश में न जाने ऐसे कितने मामले होंगे जो कि सामने नहीं आ पाते हैं। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।